महानगर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जमीन की खरीद में नागरिकों के चंदे की गड़बड़ी की जांच न्यायालय के जज से कराने की मांग की है। अजय शुक्ला ने कहा कि राम जन्मभूमि की 12,080 वर्ग मीटर की जमीन की खरीद के लिए जनता से लिया गया चंदा में अनियमितताएं की गई हैं। भू राजस्व विभाग ने बिना किसी जांच के 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन को 8 गुना अधिक दाम पर बेनामा कैसे करा दिया। इस बेनामा को लेकर बफ बोर्ड में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। कांग्रेस ने इस जमीन विवाद में लिप्त व्यक्ति के बारे में जांच की मांग की है। जिस भूमि की खरीद की गई है वो राम जन्मभूमि मंदिर से 250 किलोमीटर दूर है, इसके लिए कोई आपत्ति किसी ने क्यों नहीं की। उल्लेखित जमीन की खरीद के लिए कार्य समिति की कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। 2 करोड़ की भूमि का 18 से 5 करोड़ में सौदा हुआ, जबकि 5,80,00,000 ही सरकारी रेट से देना था। महानगर कांग्रेस ने जमीन के घोटाले की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों विजय मौर्य, सुचित्रा सिंह, सौरभ राठी, के दीक्षित, योगेश जौहरी आदि मौजूद रहे। मैं अध्यक्ष हूँ महानगर कांग्रेस कमेटी का। आज जो अयोध्या में जो जमीन खरीदी गई है वो जमीन का तरीका खरीदने का अलग है। हर कांग्रेसी की आस्था भगवान श्री राम में है और वो चाहते हैं मंदिर बनने की बात उनने कही है, मगर जिस तरीके से जो जमीन खरीदी गई है उसका कोई औचित्य नहीं है। जहाँ मंदिर बनना है, मंदिर बन जहाँ बना है उससे भी दूर जाके उन्होंने जमीन खरीदी और सर्किल रेट वहाँ पर कुछ है, और सर्किल रेट के साथ साथ उन्होंने जमीन की जो खरीदारी करी कहाँ से पैसा है कुछ नहीं, चंदे का क्लियर कट उन्होंने उसमें नहीं किया। सबसे ज़्यादा कि जो पैसा खरीद में आया वो कहाँ से आया और कितना आया उसकी कहीं पर भी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जिस सर्किल रेट की ज़मीन थी कितने में ली गई, इसके सर्किल रेट के हिसाब से उसको ज़मीन की खरीदारी क्यों नहीं हुई, और अगर उन्होंने जो पैसा खरीदा वो कहाँ डाला, इसके लिए निष्पक्ष जाँच के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है और चाहती है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग ने ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, CBI से जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी मिले उनको उनके कठोर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।